तो स्टूडेंट्स 5.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम अब सॉल्व करने वाले हैं। तो आपके पास एक पाई चार्ट गिवन है, पिछला जो हमने एक्सरसाइज कराई थी उसमें बताया था और भेजा था आपको पढ़ने के लिए, कहा था कि एंगल वगैरह बनाने का क्या होता है कि टोटल सर्कल के क्या होते हैं 360 डिग्री का एंगल होता है। तो एक तो इनके बीच का जो एंगल निकालने का प्रोसेस होता है वो, तीन चीजें गिवन होगी आपके पास, या तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या जो भी काउंटिंग होगी वो दिए होंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन होंगे आपके पास, और अलग अलग एलिमेंट्स के आपके पास गिवन होंगे। तो उनका जब आपको एंगल निकालना है तो क्या करते हैं, जिसका निकाल रहे हैं उसका एंगल, उसका नंबर जैसे 12 है, टोटल कितने हैं 36 है, और मल्टीप्लाई में 36 एंगल। तो एक पर्सन या एक वैल्यू की जो वैल्यू होंगी वो आप जाए आपके पास 10 यानी 120। तो 12 स्टूडेंट्स के लिए या 12 पार्ट्स के लिए आपके पास 120 डिग्री का एंगल बनेगा। तो वो डिपेंड करता है आपके पास कि भाई क्या टोटल है आपके पास, क्या एंगल है, उससे आप एंगल निकाल सकते हो पाई चार्ट के बीच का जो भी एंगल बनता है उसको सेंटर एंगल बोलते हैं। ठीक है, अब इसी तरह परसेंटेज से आप इनमें निकालना है इस पाई चार्ट में, जैसे आपके पास दिखाया गया है सेमी क्लासिक, क्लासिक, फॉल्क एंड लाइट म्यूजिक के बारे में आपको बताया गया है कि सेमी क्लासिक को 20%, क्लासिक को 10% और फ्लॉक को 30% और लाइट को 40% टोटल स्टूडेंट्स पसंद करते हैं। तो अब टोटल कितना होता है, हमेशा 100% होता है। मान लो अगर क्लासिक का आपको एंगल निकालना है तो क्लासिक का एंगल कितना हो जाएगा 10% है अपॉन में टोटल कितना होता है 100% मल्टीप्लाई में 360। ठीक है, तो यहां से ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, कितना आ जाएगा 36 डिग्री, यानी ये जो एंगल है ये 36 डिग्री का होगा। तो इस तरह से बाकी सभी एंगल निकाल सकते हैं आप। तो ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट था आपके पास एंगल निकालने का, बाकी आप जो क्वेश्चन है उस पे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन है आपके पास कि एक जो गिवन है आपके पास म्यूजिक के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कि कितने परसेंट लोग क्लासिक म्यूजिक पसंद करते हैं, कितने सेमी क्लासिक वगैरह। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इफ 20 पीपल्स लाइक क्लासिक म्यूजिक हाउ मैनी यंग पीपल्स वर सर्वे। तो कितने पीपल पर सर्वे किया गया है, टोटल पीपल बताना है। अगर वो कह रहा है कि क्लासिक में 20 है, अगर इसमें 20 पीपल है तो टोटल कितने पीपल है, तो यानी 10% कितना है आपके पास 10% कितना है आपके पास 20। 100% निकालना है क्योंकि टोटल कितना है 100% है, तो 100% निकालना है तो क्या करते हैं 20, 10% का 1% निकालना है तो डिवाइड बाई 10, और टोटल 100% का निकालना है तो मल्टीप्लाई बाई 100। तो 10 जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, कितना आ जाएगा 200। तो यानी टोटल सर्वे कितने पर की गई है 200 पीपल्स पर की गई है। ठीक है, फिर से एक बार कर लेते हैं, 10% है 20 आपके पास, क्योंकि क्लासिक के लिए 20 पीपल्स कहा गया है आपके पास। तो 1% के लिए कितना निकालेंगे, तो अगर 1% के निकालना है तो 10 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 20/10 हो जाएगा। फिर 100% का निकालना है कि टोटल पीपल पूछा है, तो 100% का मल्टीप्लाई में 100, तब इसका कैलकुलेशन करते हैं तो 200 आ जाएगा आपके पास। क्लियर, तो ये आपके पास फर्स्ट पार्ट था आपके फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट में पूछा है विच टाइप्स ऑफ म्यूजिक लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, सबसे ज्यादा कौन से म्यूजिक को पसंद करते हैं लोग। तो ये 20 है, ये 10%, ये 30% और ये 40%, सबसे ज्यादा कौन सा है 40%। तो यानी लाइट म्यूजिक को सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं। क्लियर, सेकंड का आंसर आ जाएगा। थर्ड का आंसर पूछा गया आपसे, मान लो एक कोई कैसेट कंपनी है, वो कैसेट बनाना चाहती है, तो टोटल 1000 कैसेट बनाना चाहती है। अब वो कह रहा है कि कितनी कैसेट वो क्लासिक की बनाए, कितनी वो फोक की बनाए, और कितनी सेमी क्लासिक की बनाए, कितनी लाइट की बनाए, ताकि उसको प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। तो जैसा उसका परसेंटेज या सर्वे की गई उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग कैसेट बनाएगी, यानी 20% को आपको सेमी क्लासिक का बनाना है। तो सेमी क्लासिक के लिए क्या हो जाएगी आपके पास, सेमी क्लासिक के लिए हो जाएगी आपके पास 1000 का 20% निकालना है, तो 20/100 मल्टीप्लाई बाई 1000। क्लियर, तो कितना 200, तो 200 कैसेट तो सेमी क्लासिक की बनाएगी, क्लासिक के लिए क्या बनाएगी, क्लासिकल के लिए कितना बन जाएगी 10%, तो 10% कितना हो जाएगा, इसी तरह से निकाल सकते हो आप, वो आपके पास हो जाएगा 100। ठीक है, इसी तरह से फोल्क के लिए निकालोगे तो 30% वो 300 हो जाएगा, और लाइट के लिए निकालोगे तो वो 400 हो जाएगा। तो इस तरह से वो कैसेट को डिस्ट्रीब्यूट करेगी
सेमी क्लासिक की 200 बनाएगी, क्लासिक की 100 बनाएगी, फोल्क की 300 बनाएगी और लाइट म्यूजिक की आपके पास 400 कैसेट बनेगी। क्लियर? तो इस तरह से आप फर्स्ट क्वेश्चन को कर सकते हैं, इसी का यूज आप आगे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास कुछ लोगों पर सर्वे किया गया, 360 लोगों पर सर्वे किया गया है, जिसमें बताया गया है कि कौन समर को पसंद करता है, कौन रेनी विंटर को और कौन विंटर को पसंद करता है। इन सीजन को पसंद करने वाले लोगों पर सर्वे किया गया है। तो समर को 90% पीपल्स पसंद करते हैं, रेन को 120 और विंटर को 150। तो इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि विच सीजन गोट द मोस्ट वोट, सबसे ज्यादा वोट किस सीजन को मिले। तो सबसे ज्यादा वोट किसको मिले, 150 किसको, विंटर को। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा विंटर, क्योंकि 150 वोट विंटर को मिले। नेक्स्ट में पूछा फाइंड द सेंटर एंगल, सबका सेंटर एंगल बनाना है। अगर पाई चार्ट बनाना है तो पाई चार्ट पर एंगल बनाने पड़ेंगे सेंटर पर, तभी पाई चार्ट बनेगा। तो उसके लिए एंगल निकालने का प्रोसेस बताया, जिसका निकाल रहे हैं यानी समर का निकाल रहे हैं। तो समर में कितने प्यूपल्स है, 90, टोटल कितने है 360। तो जिसका निकाल रहे हैं उसके अपॉन में टोटल मल्टीप्लाई में कंप्लीट एंगल कितने का होता है, 360 का होता है। तो 360 से हर बार मल्टीप्लाई करना है। तो इसको जब कैंसिल आउट करते हैं तो कितने डिग्री का एंगल आ जाएगा, 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा। इसी तरह से इसका निकालना है, 120 मल्टीप्लाई बाई डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 360। इसको भी सोल्व करते हैं तो 120 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह से इसका कितना आ जाएगा, 150 डिग्री। तो सभी के एंगल आ गए। सेकंड में एंगल पूछा है, थर्ड में कहा है कि पाई चार्ट बनाओ। पाई चार्ट बनाना है तो आपको करना क्या है, एक सर्कल ड्रॉ कर लेना। पहले कोई भी एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है, उसके सेंटर से आपको एक लाइन कहीं पर भी ड्रॉ कर लेनी है। क्लियर? पहला जो समर का सेक्टर बनाना है आपको, उस समर के सेक्टर के लिए कितने डिग्री का एंगल चाहिए, 90 डिग्री का। तो जो आपने ये लाइन ड्रॉ की है, इस लाइन के सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल बना देना। तो ये किसका सेक्टर बन गया, समर का। क्लियर? इसी तरह से आगे अब रेनी सीजन का आपको सेक्टर बनाना है। तो यहां पर 120 बनाना है। अब इस पर, इस लाइन पर नहीं बनाना 120, अब किस पर, जो ये लाइन आई थी न्यू लाइन, इस लाइन पर आपको डी रखनी है और यहां से आपको 120 डिग्री एंगल काउंट करना है। इस तरफ से डी पर दोनों तरफ से एंगल होता है, तो इस तरफ से आपको 120 काउंट करना है, 0 1 2 3 4 ऐसे 120 काउंट करना है। तो यहां पर आपके पास 120 डिग्री पर जो भी एंगल बनता है उस पर आप 120 डिग्री एंगल बना देंगे। क्लियर? तो ये जो आपका सेक्टर होगा, ये आपका रेनी सेक्टर होगा। क्लियर? अब इस, ये जो नई लाइन आई है, इस लाइन पर आपको 150, अब तो बची गया 150, आप इसको काउंट करके चेक कर सकते हो क्या ये 150 है या नहीं है। अगर ये 150 है तो आपने जो कंस्ट्रक्शन किया है वो ठीक किया है। तो ये जो आपका सेक्टर हो जाएगा, ये हो जाएगा विंटर। क्लियर? तो इस तरह से आपको चार्ट बनाना है, पाई चार्ट बन जाएगा आपके पास। थर्ड क्वेश्चन भी आपको सेमली इसी तरह से करना है। तो 1 2 3 क्वेश्चन आपको करना है। नेक्स्ट जो क्लास होगी बेटा, उसमें आगे के क्वेश्चन कराएंगे। ओके बाय।